हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी मैं सीढ़ी चढ़ के आई हूँ तो थोड़ा सांस फूल रहा है। सो मैं हूँ सरोजनी नगर की मंडे मार्केट में और मैं अर्ली मॉर्निंग आई हूँ आप लोगों को दिखाने कलेक्शन। तो चलिए, गाइस ये है सरोजनी नगर का मेट्रो स्टेशन, जिसके सीधे सीधे आगे चलते ही जब एक कट आएगा जहाँ लेफ्ट साइड पे आपको ये कुछ छोटे से ही स्टॉल्स दिखेंगे जो कि नीचे लगा के बैठे होंगे। और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स वगैरह अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और यहाँ भैया के पास सॉक्स, फ्लावर्स भी थे यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे रेट्स में। और यहाँ पर मिल रही थी काफ़ी अच्छी ब्रा जो कि है सिर्फ 10-10 रुपये की। गाइस तो यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड था तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। और यहाँ पे बस यही एक चीज़ थी जो अच्छी मिल रही थी, बाकी टॉप्स वगैरह 10-10 वाले थे बट वो अच्छे। सो गाइस ये है गेट नंबर 1 जहाँ से मैंने एंटर किया था। वहीं पे आंटी 10-10 रुपये या 20-20 रुपये की जोड़ी लगा के बैठी थी बैंगल्स की। और गाइस ये हूँ मैं मंदिर वाली लेन में जहाँ पे 10-10 रुपये के टॉप मिल रहे थे बट उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। और ये उसी भिक्सी वाली लेन में जहाँ पे 100-100 रुपीज़ की डेनिम जीन्स मिल रही थी जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की थी और इसमें हर साइज़ आपको मिल जाता है। और ये हैं टॉप्स जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे और समर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे ये टॉप्स। और ये सारे मंदिर वाली लेन में हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी कलेक्शन थी 100-100 रुपीज़ में। और इसी लेन में ही आप सीधे सीधे चलते रहेंगे जहाँ मंदिर वाली लेन है वहीं पे ही आपको ये सारे टॉप्स दिख जाएंगे जो कि सिर्फ 100-100 रुपीज़ 50-50 के स्टॉल लगे होते हैं। और आगे जाकर देखिए तो उसी लेन में ही आपको एक और स्टॉल मुझे यहाँ पे दिखा जो कि है 50-50 रुपीज़ का, शायद 100 का था मुझे ध्यान नहीं है। सो इतना एक्सप्लोर करने के इतनी जल्दी अर्ली मॉर्निंग में 10 बजे ही पहुंच गई थी, इतना जल्दी जाके भी मुझे कुछ ज़्यादा सस्ता सामान नहीं मिला और ज़्यादा सस्ता मैं देख भी नहीं रही थी। जो 10-10 रुपीज़ वाले थे वो अच्छे क्वालिटी के नहीं होते। उसी लाइन में ही आके चल के 50-50 रुपीज़ के बहुत अच्छे पजामे मिल रहे थे और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी बट ये ज़्यादा लार्ज साइज़ वाले को आराम से आ जाएंगे तो ज़्यादा बड़े साइज़ नहीं थे इसमें, छोटे ही साइज़ थे बट क्वालिटी वाइज ये 50 रुपीज़ में अच्छे थे। तो अब मैं आ गई हूँ मंदिर वाली लेन में ही, वहीं पे ही मुझे ये शॉप मिली। तो मैं आके शॉप नंबर भी बताऊँगी। यहाँ भैया के पास डेनिम की हर चीज़ थी और बहुत अच्छी क्वालिटी की भैया दे रहे थे और पार्किंग भी भैया अच्छी कर लेते हैं काफ़ी अच्छी, तो आपको आके दिख जाएगा कैसे। ठीक, आराम से आएगा मैडम। अच्छा, 34-35 तक आएगा। ठीक है, कितने का है ये? 450 है तो देखो 650 का मॉर्निंग टाइम फर्स्ट कस्टमर आप मैडम जी, रिसीव सही बात है। 420 मॉर्निंग टाइम फर्स्ट कस्टमर मैम जी, आपको मैंने देखो सुबह सुबह वो बार 150 हमारे यहाँ निकल भी नहीं है, निकल भी जाएगा है तो बिक रहा है मैडम जी। आप मार्केट में हो आपको 7-8-50 से कम मिल जाए, यहाँ डाल जाना ये चीज़ है। पर आइटम नहीं लगते आप यही मॉल के अंदर जाओगे मैडम जी 1400 की है इसका। वो तो है बट मॉल जाने नहीं ना, यहाँ क्यों आते हैं आपको मैडम जी? रिजिडेबल रेट लगाया है मॉर्निंग टाइम फर्स्ट कस्टमर 150 सही है। सो गाइस 178 पे आइएगा, भैया बहुत अच्छे है, काफ़ी अच्छी बार्गेनिंग भी कर दी। और यहाँ उसी लेन में आगे चल के जहाँ मंदिर वाली लेन में ही, वहाँ पे मुझे ये 80-80 रुपीज़ के काफ़ी अच्छी टी शर्ट्स मिली गर्ल्स की जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी। और 80-50 वाले स्टॉल में आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ता है जब जाके आपको 4-5 टॉप जो आपके मतलब कि आपके साइज़ के और क्वालिटी वाइज अच्छे होते हैं, जैसे कि मुझे ये पिंक एंड ये येलो और वाइट वाला टॉप बहुत अच्छा लगा था, बड़ी साइज़ का नहीं था। एंड थोड़ा सा आगे चल के यहाँ 100-100 रुपीज़ के ये बिक्सी वाली लेन है, ओके। तो यहाँ पे आपको 100-100 रुपीज़ के पजामास, चेकिंग, जीन्स नहीं डेनिम्स थी वो, और काफ़ी अच्छी आपको क्वालिटी मिल रही थी इसके अंदर। और साइज़ वही होता है, साइज़ आपको हर साइज़ यहाँ पे मिल जाएगा, हर क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बस आपको थोड़ा टाइम दे के इस एक्सप्लोर करना होगा जिससे कि आपको चीज़ अच्छी मिल जाए। और वहीं लेन बिक्सी वाली लेन में मुझे डेनिम की ये जैकेट्स दिखी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी और साथ ही साथ इसमें डेनिम शॉर्ट्स और डेनिम दांगरीज एंड जीन्स भी थी इसके अंदर, थोड़ी सी 2-4 ही थी, ज़्यादा नहीं थी। एंड
बहुत अच्छी क्वालिटी थी इसके अंदर, और ये सिर्फ 100 रुपीज़ की थी गाइज। इतनी अच्छी चीज़ 100 रुपीज़ में मिल रही है, तो ये मंडे मार्केट में है गाइज। ये है बिक्सी वाली लेनी, जहाँ पे भैया के पास 250 में काफ़ी ट्रेंडी टॉप थे, जो कि शीन एंड मिशू वगैरह पे 400 तक के मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे थे। और अब मैं आ गई हूँ जो हल्दीराम वाली साइड है ना, उस साइड पे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी अच्छी कुर्ती स्कर्ट्स मिल जाएंगी, कुर्ती सेट्स मिल जाएंगे, जो कि सिर्फ 300 रुपीज़ का ये सेट था दे रहे थे भैया, और 250 तक का भी सेट था यहाँ पे, और 150 की खाली अगर आप कुर्ती लेना चाहो तो कुर्ती भी थी, और ये भैया पूरा सेट दे रहे थे जिसके साथ प्लाजो कुर्ती थी जो 250 का था, और ये 10-10 रुपये के टॉप थे, बट मुझे क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी। तो गाइज़ कभी भी 10 रुपीज़ वाले टॉप मत लेना, क्योंकि वो अच्छे नहीं होते। और यहाँ थोड़ा सा आगे चल के ये मुझे दिखी, ये हल्दीराम वाली लेनी है, तो ये बहुत अच्छी काफ़ी ट्रेंडी टॉप्स एंड शर्ट्स थी इनकिया। सो गाइज ये है जो कि हल्दीराम के आगे चल के ही एक शॉप थी, जहाँ पे भैया लगाए हुए थे 100-100 रुपये की कुर्तीज़, जो कि बहुत ट्रेंडी कुर्तीज़ थी, जिनके प्रिंट्स भी काफ़ी अच्छे थे। तो गाइज सुबह सुबह आने से आपको एक बेनिफिट हो जाता है, पूरी मार्केट आपको मतलब इतनी भीड़ नहीं दिखती है, आप आराम से शॉपिंग कर सकते हो। शॉप्स नहीं खुली होती तो आप थोड़ी से काफ़ी सस्ता सामान भी ले सकते हो। और इसी लाइन में मैं आगे चल के मुझे यहाँ पे मिलेंगे 50-50 रुपीज़ के टॉप्स, जो कि स्पैगेटी टॉप्स थे, टी शर्ट्स थी, इसमें मिक्स था सब कुछ, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया मैंने, क्योंकि मिक्स था तो ढूंढने में आपको ही परेशानी होती है, मुझे भी हुई। और ये है शॉप नंबर 175, आई थिंक 175 ही थी। तो यहाँ पे काफ़ी ट्रेंडी टॉप्स थे और काफ़ी ट्रेंडी ड्रेसेस, आप अंदर चलोगे तो काफ़ी ट्रेंडी ड्रेसेस कुर्तीज़ भी यहाँ पे मिलेंगी, जो कि समर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर समर कलेक्शन एक्सप्लोर करा है, और काफ़ी मेहनत लगी समर कलेक्शन एक्सप्लोर करने में, क्योंकि अभी इतना अच्छा नहीं आया है, बट आ गया है थोड़ा बहुत। ये कलेक्शन थी कटरा वाली लेन के पास, जहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे टॉप्स मिल रहे थे, जो कि 100-100 रुपीज़ के थे, और यहाँ पे प्लाज़ो भी थे 100-100 रुपीज़ में, जो कि काफ़ी अच्छे थे। और यहाँ पे प्लाज़ो कैपरी भी थी, यानी कि जो प्लाज़ो थे वो शॉर्ट में भी थे, आप अच्छे से समर्स में उनको पहन सकते हो, नाइट सूट वगैरह में काफ़ी अच्छे लगे, और उनके प्रिंट्स भी काफ़ी न्यू थे, डिज़ाइंस भी काफ़ी न्यू थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये। और उसी लेन में आगे कटरा लेन में ही चल के मुझे मिली 100-100 रुपीज़ की जीन्स। तो गाइस मैं बता दूं, कटरा लेन अगर आपको नहीं पता, तो अगर आप INS से उतर के ऑटो करके मार्केट में एंटर करते हैं, तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है आपकी कटरा लेन, वहां से आपको काफ़ी अच्छे कपड़े क्लोथ जो खरीद वगैरह हैं वो मिल जाएंगी। इवन एथनिक वेयर वहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि लहंगा साड़ी वगैरह वो बहुत अच्छा मिलता है, तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप गाइस ये है हल्दीराम वाली लेनी, जहाँ आप एंटर करते हो वहीं पे ही 50-50 रुपीज़ के टॉप्स लगे हुए थे वुमेंस के, जो कि बहुत अच्छे थे और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, और प्रिंट्स मुझे इतने कुछ खास नहीं लगे, बट क्वालिटी अच्छी थी। और ये थोड़े सा आगे चल के उसी लेन में ही शर्ट्स थी 100-100 रुपीज़ की, जो कि बहुत अच्छी लगी मुझे। और वहीं पे जब कट आता है ना गाइस, अगर आप चाहते हो कि तो पता होगा आपको, तो 20-20 रुपीज़ के हेयर बैंड मिल रहे थे। एंड अब मैं पहुंची हूँ दोबारा से मंदिर वाली लेन में, तो मैं पूरी मार्केट दो बार घूमी थी, क्योंकि एक बार मतलब ऐसा नीचे वाला स्टॉल मुझे मिला था, एंड जब दुकानें खुलने लगी तो मैं दोबारा गई। और ये हैं 50-50 रुपीज़ के टॉप, जो कि बहुत अच्छे थे, और ये मंदिर वाली लेन है तो ये बहुत अच्छे टॉप्स थे, और इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। और काफ़ी टॉप इसमें ऐसे भी होते हैं गाइस, जो ताक वाले होते हैं, तो उन्हें देख के अच्छे से चेक करके लेना। और अब मैं आ गई हूँ पीछे वाली साइड पे कटरा लेन की, जहाँ आप ग्रेफिटी लेन से एंटर करके लास्ट में पीछे वाली साइड से जाओगे, वहाँ पर 200 रुपीज़ के नाइट सूट मिल रहे थे, जो कि बहुत अच्छे थे और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और ये हैं 50-50 रुपीज़ के टॉप्स टी शर्ट्स हैं इसके अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी थी और इनमें वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो ये भी उसी लेन में ही है। सो गाइस यहाँ होती है मेरी शॉपिंग ख़त्म, नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे सगे संबंधियों के साथ। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।